तो लेट्स गो फॉर द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? फिजिक्स का HSC टेक्स्ट बुक का अगला चैप्टर फिर आज हम शुरू करेंगे। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व। वेल, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ पे। फिगर शोज रफ ट्रैक अ पोर्शन ऑफ व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विथ व्हाट मिनिमम लीनियर स्पीड शुड अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। देखिए ऐसा है कि इस स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज स्मॉल आर, ठीक है? ये हमें बताया गया है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। शुड बी सेट रोलिंग, दिस रेडियस इज स्मॉल आर, और इसको रोल किया गया है, यहां से इसको रोल किया। विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड इट सेट बी रोलिंग, ठीक है? तो इसका वेलोसिटी मैं बोलूंगा लेट वी डैश इज इट्स वेलोसिटी, और यही वी डैश पूछा है। सो दैट इट कम्प्लीटली गोज राउंड द सर्कल इन द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब वो पूरा का पूरा सर्कल कवर करेगा। अब ये पूरा सर्कल कब करेगा ये बताइए मुझे, जब उसके हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, व्हेन द वेलोसिटी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ का वेलोसिटी जो होगा उसका, ये जो है यहाँ पर होने के बावजूद उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यस व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अब स्क्वायर रूट ऑफ आर जी नहीं, देखिए गौर से देखिए, ये जो अगर डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है वो क्या होगा डिस्टेंस, अब चेक करिए प्लीज, लुक एट दिस डिस्टेंस कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता है दिस डिस्टेंस यहाँ से ये सेंटर वाला डिस्टेंस कितना है, अगर ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूँ और ये सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस है कैपिटल आर, और अगर मुझे सेंटर का डिस्टेंस चाहिए उसका, इफ आई वांट द सेंट्रल वाला डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस दोनों का, इफ आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, इफ आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और वो होगा उसका लीनियर स्पीड। समझ में आ गई बात? सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट ए, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी मतलब आर माइनस आर जी, ये होगा उसका वेलोसिटी। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू ऑल? क्योंकि नॉर्मल वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब होता है तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होता है, लेकिन ये सेंटर मूव हो रहा है ना उसका, सो दिस दैट इज द रीजन वाई दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, ठीक? यहाँ पर इसका वेलोसिटी, अब सो विल से एट द हाइएस्ट पॉइंट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट और हाइएस्ट पॉइंट ए क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि इसका वेट जो होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एट दिस पॉइंट, अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पर, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एट दैट पॉइंट, तो उसका वेट होगा विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी, दैट शुड बी बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट mva square. The va is this, isn't it? Velocity at the highest point. mva square. तो ये क्या बन जाएगा भैया? So this will give me mass mva square is equal to mg. ये मिलेगा मुझे. m gets cancelled. Now what is va square? ये इसका square क्या आएगा? R minus R इंटू जी इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना, एम वी स्क्वायर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एम वी ए स्क्वायर
Not mv square, mv square. Square அப்போ யாருக்கும் இல்லையா? ये तो नहीं चलेगा वैसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। एक सेकंड, ये टॉप मोस्ट पे फिर आर माइनस आर ये कैंसिल हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ रुकिए। हम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अगर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ का वेलोसिटी वी डैश है, तो दिस इज द पॉइंट, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज पी। सो टोटल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी एट पी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट पी, पी के यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है और ए के यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे दोनों एनर्जीज हैं। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब वो इधर चला जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगा? देखो वो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से उधर चला गया, सो उसका हाइट कितना बढ़ गया है? कितना हाइट वो चेंज किया है उसने? व्हाट इज द हाइट थ्रू विच इट हैज गॉन अप? दिस इज एच प्लस एच, आई मीन टोटल एच इज आर माइनस आर दो बार। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का मैं लिखूँ, पोटेंशियल एनर्जी इफ आई वॉन्ट टू राइट हियर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय एम जी एच एंड दिस एच इज इक्वल टू टू टाइम्स आर माइनस आर, टू टाइम्स आर माइनस आर, इज दिस ओके? प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ का कितना होगा? दिस काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ रोलिंग ओनली, दिस इज फॉर रोलिंग, ठीक है ना? ये सिर्फ रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। अब रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बाय द वे, ये बॉटम पर जा रहा है वो भी तो रोलिंग ही है ना, ये काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मैं रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं थोड़ा अलग से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, आई जस्ट राइट दिस रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अलग से। अलग से मतलब, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन विल बी नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेल ये एक कौन सा स्फीयर है? सिलेंडर, सिलेंडर है, तो फॉर आई फॉर सिलेंडर क्या होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन टू, सो दिस बिकम हाफ इज आउट, दिस इज एम वी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। So v is equal to r omega, so that will be v square, isn't it? So this is going to become half mv square plus half mv square, 1 mv square plus आधा mv square is 1 mv square I omega square mr square by 2, yeah, let's correct. So this will become 3, स्फीयर है क्या? स्फीयर है, नहीं है, ओहो मैंने सिलेंडर क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ओके ओके, ये सिलेंडर नहीं है,
दिस इज नॉट सिलेंडर, उन्होंने क्या बोला है, ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है, स्फीयर, इट्स अ स्फीयर नॉट सिलेंडर, स्फीयर, और मैं इसको सॉलिड स्फीयर ट्रीट करूंगा, आई विल ट्रीट दिस एज अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो दिस इज 2/5 mr², नॉट हाफ, इट इज 2/5 mr², ये जस्ट कैलकुलेट दिस, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2/5 mr², सो दिस इज mv² (7/10) आता है, लेकिन हम उनको कैलकुलेशन कर लेते हैं, सो दिस इज हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 2/5 mr², दिस इज आई इंटू ω², इसमें से 2 गेट्स कैंसल एंड आर ओमेगा इज v², सो दिस इज हाफ mv² प्लस 1/5 mv², सो दिस इज 1/5, तो 5 + 2 = 7/10, दिस इज 7/10 mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, याद रखिए, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट 7/10 mv² एंड रोलिंग एट द हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट का जो रोलिंग होगा वो मुझे होगा 7/10 m इंटू वेलोसिटी एट a² प्लस mgh. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें से m गेट्स कैंसिल, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सो दिस बिकम 7/10 v² इज 7/10 va² व्हाट इज va, va वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, √r - r × g, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा r - r × g प्लस ये होगा g × 2 times r - r. अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें से कॉमन आएगा g × r - r, ब्रैकेट में आएगा 7/10 + 2, सो दैट विल बी g × r - r एंड दिस इज 27/10, 7/10 × v² दिस 10 गेट्स कैंसल एंड देयरफॉर वी गेट v² इज इक्वल टू 27/7 g × r - r और व्हाट इज v' इज इक्वल टू v' इज इक्वल टू √27/7 g × r - r. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट दैट हाईएस्ट पॉइंट, ये होगा वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, प्लीज चेक whether दिस इज क्लियर टू ऑल.